पुरुषार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत श्री महाभारतम मोक्ष धर्म पर्व 205वां अध्याय पर ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति, जब मनुष्य पर कोई ऐसा शारीरिक या मानसिक दुख आ पड़े जिसके रहते हुए साधन करना अशक्य हो जाए, तब उस दुख का चिंतन करना छोड़ दें। दुख को दूर करने के लिए सबसे अच्छी दवा यही है कि उसका चिंतन छोड़ दिया जाए, क्योंकि चिंतन करने से वो सामने आता है और अधिकाधिक बढ़ता रहता है। अतः मानसिक दुख को बुद्धि एवं विचार द्वारा तथा शारीरिक कष्ट को औषधियों द्वारा दूर करें। यही विज्ञान की सामर्थ्य है, जिससे मनुष्य दुख में पड़ने पर बच्चों के समान बैठकर रोए नहीं। यौवन, रूप, जीवन, धन संग्रह, आरोग्य और प्रियजनों का समागम, ये सब अनित्य हैं। विवेकशील पुरुषों को इनमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जो दुख सारे देश पर है, उसके लिए किसी एक व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। यदि उसे टालने का कोई उपाय दिखाई दे तो शोक ना करके उस दुख के निवारण का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि जीवन में सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जो पुरुष विषयों में अधिक आसक्त होता है, वो मोहवश मरण रूप अप्रिय कष्ट भोगता है। जो मनुष्य सुख और दुख दोनों को छोड़ देता है, वो अक्षय ब्रह्म को प्राप्त होता है। अतः वो ज्ञानी पुरुष कभी शोक नहीं करते। विषयों के उपार्जन में दुख है, उनकी रक्षा में भी तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। दुख से ही उनकी उपलब्धि होती है, अतः उनका नाश हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए। बृहस्पति, तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए कि ज्ञेय रूप में परमात्मा से ज्ञान प्रकट होता है और मन ज्ञान का गुण है। जब वो ज्ञानेन्द्रियों से युक्त होता है, तब बुद्धि कर्मों में प्रवृत्त होती है। जिस समय बुद्धि कर्म संस्कारों से रहित होकर हृदय में स्थित हो जाती है, उसी समय ध्यान योग जनित समाधि के द्वारा ब्रह्म का भली भांति ज्ञान हो जाता है। अन्यथा जैसे जल की धारा पर्वत के शिखर से निकलकर ढाल की ओर बहती है, उसी प्रकार ये गुणवती बुद्धि अज्ञान के कारण परमात्मा से नियुक्त होकर रूप आदि गुणों की ओर बहने लग जाती है। परंतु जब साधक सबके आदि कारण निर्गुण ध्येय तत्व को ध्यान द्वारा अंतःकरण में प्राप्त कर लेता है, तब कसौटी पर कसे हुए सुवर्ण के समान ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। परंतु इंद्रियों के विषयों को दिखाने वाला मन जब पहले से ही विषयों की ओर अपहरित हो जाता है, तब वो विषय रूप गुणों की अपेक्षा रखने वाला मन निर्गुण तत्व का दर्शन कराने में समर्थ नहीं होता। समस्त इंद्रियों को रोककर संकल्प मात्र से मन में स्थित हो उन सब को हृदय में एकत्र करके साधक उससे भी परे विद्यमान परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार गुणों का क्षय होने पर पंच महाभूत निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त इंद्रियों को लेकर हृदय में स्थित हो जाती है। जब निश्चयात्मिका बुद्धि अंतर्मुखी होकर हृदय में स्थित होती है, तब मन विशुद्ध हो जाता है। शब्दादि गुणों से युक्त इंद्रियों के संबंध से उन गुणों से घिरा हुआ मन जब ध्यान जनित गुणों से संपन्न होता है, तब उन समस्त गुणों को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस अव्यक्त ब्रह्म का बोध कराने के लिए इस संसार में कोई योग्य दृष्टांत नहीं है। जहां वाणी का व्यापार ही नहीं है, उस वस्तु को कौन वर्णन का विषय बना सकता है। इसलिए तप से, अनुमान से, शम आदि गुणों से, जातिगत धर्मों के पालन से तथा शास्त्रों के स्वाध्याय से अंतःकरण को विशुद्ध करके उसके द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा करें। ऐसी तपस्या आदि गुणों से रहित मनुष्य बाहर रहकर बाह्य मार्ग का ही अनुसरण करता है। वो ज्ञेय स्वरूप परमात्मा गुणों से अतीत होने के कारण स्वभाव से ही तर्क का विषय नहीं है। जैसे अग्नि सूखे काठ में विचरण करती है, उसी प्रकार बुद्धि भी शब्द, स्पर्श आदि गुणों में विचरती रहती है। जब वो उन गुणों का संबंध छोड़ देती है, तब निर्गुण होने के कारण ब्रह्म को प्राप्त होती है।
और जब तक गुणों में आसक्त रहती है तब तक गुणों से संबंधित होने के कारण ब्रह्म को ना पाकर लौट जाती है। जैसे पांचों इंद्रियां अपने कार्य रूप शब्द आदि गुणों से भिन्न हैं, उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा भी प्रकृति से सर्वथा परे हैं। इस प्रकार समस्त प्राणी प्रकृति से उत्पन्न और यथा समय उसी में लय को प्राप्त होते हैं। उस लय अथवा मृत्यु के पश्चात वो पुण्य और पाप के फलस्वरूप नरक और स्वर्ग में जाते हैं। पुरुष प्रकृति बुद्धि पांच विषय 10 इंद्रियां अहंकार मन और पंच महाभूत इन 25 तत्वों का समूह ही प्राणी नाम से जाना जाता है। बुद्धि आदि तत्व समूह की प्रथम सृष्टि प्रकृति से होती है, तदनंतर दूसरी बार से उनकी सामान्यतः मैथुन धर्म से नियम पूर्वक अभिव्यक्ति होने लगी है। धर्म करने से श्रेय की वृद्धि होती है और अधर्म करने से मनुष्य का अकल्याण होता है। विषयासक्त पुरुष प्रकृति को प्राप्त होता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद विषयक 205वां अध्याय पूरा हुआ। 206वां अध्याय परमात्म तत्व का निरूपण मनु बृहस्पति संवाद की समाप्ति। मनु जी कहते हैं, बृहस्पति जिस समय मनुष्य शब्द आदि पांचों विषयों सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों और मन को काबू में कर लेता है उस समय वो मणियों में ओतप्रोत तागे के समान सर्वत्र व्याप्त परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। जैसे वही तागा सोने की लड़ियों में मोतियों में मूंगों में और मिट्टी की माला के दानों में ओतप्रोत होकर सुशोभित होता है, उसी प्रकार एक ही परमात्मा गौ अश्व मनुष्य हाथी मृग और कीट पतंग आदि समस्त शरीरों में व्याप्त है। विषयासक्त जीवात्मा अपने अपने कर्म के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करता है। ये मनुष्य जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है उस शरीर से उसी उसी कर्म का फल भोगता है। जैसे भूमि में एक ही रस होता है तो भी उसमें जैसा बीज बोया जाता है उसी के अनुसार वो उसमें रस उत्पन्न करती है, उसी तरह अंतरात्मा से ही प्रकाशित बुद्धि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होती है। मनुष्य को पहले तो विषय का ज्ञान होता है, फिर उसके मन में उसे पाने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसके बाद इस कार्य को सिद्ध करूं ये निश्चय और प्रयत्न आरंभ होता है, फिर कर्म संपन्न होता है और उसका फल मिलता है। इस प्रकार फल को कर्म स्वरूप समझें, कर्म को जानने में आने वाले पदार्थों का रूप समझें और ज्ञेय को ज्ञान रूप समझें तथा ज्ञान का स्वरूप कार्य और कारण जाने। ज्ञान हल ज्ञेय और कर्म इन सब का अंत होने पर जो प्राप्तव्य फल रूप से शेष रहता है उसको ही तुम ज्ञेय मात्र में व्याप्त होकर स्थित हुआ ज्ञान स्वरूप परमात्मा समझो। उस परम महान तत्व को योगी जन ही देख पाते हैं। विषयों में आसक्त अज्ञानी मनुष्य अपने भीतर ही विराजमान उस पर ब्रह्म परमात्मा को नहीं देख सकते। इस जगत में पृथ्वी के रूप से जल का ही रूप महान है, जल से तेज अति महान है, तेज से पवन महान है, पवन से आकाश महान है, आकाश से मन परतर है अर्थात सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान है, मन से बुद्धि महान है, बुद्धि से काल अर्थात प्रकृति महान है और काल से भगवान विष्णु अनंत सूक्ष्म श्रेष्ठ और महान है। ये सारा जगत उन्हीं की सृष्टि है, उन भगवान विष्णु का न कोई आदि है न मध्य है और न ही अंत है। वो आदि मध्य और अंत से रहित होने के कारण ही अविनाशी हैं, अतएव संपूर्ण दुखों से परे हैं, क्योंकि विनाशशील वस्तु ही दुख रूप हुआ करती है। अविनाशी विष्णु ही पर ब्रह्म कहे जाते हैं, वो ही परम धाम और परम पद हैं। उन्हें प्राप्त कर लेने पर जीव काल के राज्य से मुक्त हो मोक्ष धाम में स्थित हो जाते हैं। वो वध्य जीव गुणों में अर्थात गुणों के कार्य रूप शरीर आदि के संबंध से व्यक्त हो रहे हैं,
परंतु परमात्मा निर्गुण होने के कारण उनसे अत्यंत परे हैं। जो निवृत्ति रूप धर्म है वो अक्षय पद की प्राप्ति कराने में समर्थ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद ये अध्ययन काल में शरीर के आश्रित रहते हैं और जिह्वा के अग्रभाग पर प्रकट होते हैं, इसीलिए ये यत्न साध्य और विनाशशील हैं, अर्थात इनका लुप्त होना स्वाभाविक है। किंतु पर ब्रह्म परमात्मा इस प्रकार शरीर का आश्रय लेकर प्रकट होने पर भी वेदाध्ययन की भांति यत्न साध्य नहीं है, क्योंकि उनका आदि, मध्य और अंत नहीं है। वही ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का आदि कहलाता है, जिनका कोई आदि होता है उन पदार्थों का अंत होता देखा गया है। ब्रह्म का कोई भी आदि नहीं बताया गया है, वो अनादि और अनंत होने के कारण अक्षय और अविनाशी हैं। अविनाशी होने से ही दुख रहित है, उसमें हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों का अभाव है, अतएव सब ओर से वो परे है। परंतु दुर्भाग्य, साधनहीनता और कर्म फल विषयक आसक्ति के कारण जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, मनुष्य उस मार्ग का दर्शन नहीं कर पाते हैं। मनुष्यों की विषयों में आसक्ति है, क्योंकि विषय सुख सदा रहने वाले हैं, ऐसी उनकी भावना है, तथा वो अपने मन से सांसारिक पदार्थों को पाने की इच्छा रखते हैं, इसीलिए उन्हें पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। संसारी मनुष्य इस संसार में जिन जिन विषयों को देखते हैं उन्हीं को पाना चाहते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म परमात्मा है, उन्हें पाने के लिए उनके मन में इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वो गुणार्थी होते हैं और परमात्मा निर्गुण है। भला जो इन तुच्छ विषयों में फंसा हुआ है वो परम दिव्य गुणों को कैसे जान सकता है? जैसे धूम से अग्नि का अनुमान होता है, उसी प्रकार नित्यत्व आदि स्वरूप भूत दिव्य गुणों द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का दिग्दर्शन हो सकता है। हम ध्यान द्वारा शुद्ध और सूक्ष्म हुए मन से परमात्मा के स्वरूप का अनुभव तो करते हैं, किंतु वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मन के द्वारा ही मानसिक विषय का ग्रहण हो सकता है और ज्ञान के द्वारा ही ज्ञेय को जाना जा सकता है। इसलिए ज्ञान के द्वारा बुद्धि को, बुद्धि के द्वारा मन को तथा मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को निर्मल एवं शुद्ध करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। बुद्धि में प्रवीण अर्थात विशुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि से संपन्न एवं मानसिक बल से युक्त हुआ पुरुष समस्त इच्छा से अतीत निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। जैसे वायु काठ में रहने वाले अदृश्य अग्नि को बिना प्रज्वलित किए ही छोड़ देता है, वैसे ही कामनाओं से विकल हुए पुरुष भी अपने शरीर के भीतर स्थित परमात्मा का त्याग कर देते हैं, अर्थात उसे जानने की और पाने की चेष्टा नहीं करते। जब साधक साधन रूप गुणों को धारण कर लेता है और उन सांसारिक पदार्थों से मन को हटा लेता है, तब उसका मन बुद्धिजन्य अच्छे बुरे भावों से रहित होकर निरंतर निर्मल रहता है। इस प्रकार साधन में लगा हुआ साधक जब गुणों से अतीत हो जाता है, तब ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेता है। पुरुष का आत्मा अव्यक्त है और उसके कर्म शरीर रूप में व्यक्त हैं, अतः वो अंतःकाल में अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है। परंतु कामनाओं से तद्रूप हुआ वो जीव उन बढ़ी हुई विषय प्रबल इंद्रियों से युक्त होकर पुनः संसार में आ जाता है, अर्थात पुनः शरीर को धारण कर लेता है। संपूर्ण इंद्रियों से युक्त होकर ये देहधारी जीव पंचभूत स्वरूप शरीर के आश्रित हो जाता है। ज्ञान और उपासना आदि की शक्ति के बिना वो केवल कर्मों द्वारा परमात्मा को नहीं पाता, अतः वो उस अविनाशी परमेश्वर से वंचित रह जाता है। इस भूतल पर रहने वाला मनुष्य यद्यपि इस पृथ्वी का अंत नहीं देखता है, तो भी कहीं ना कहीं उसका अंत अवश्य है, ऐसा समझो। जैसे समुद्र में लहरों द्वारा ऊपर नीचे होते हुए जहाज को प्रवाह के अनुकूल बहती हुई हवा तट पर लगा देती है,
उसी प्रकार संसार समुद्र में गोता लगाते हुए मनुष्य को अनुकूल वातावरण संसार सागर से पार कर देता है। संपूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य प्रकाश रूपी गुण को पाकर भी अस्तांचल को जाते समय अपने किरण समूह को समेटकर जैसे निर्गुण हो जाता है, उसी प्रकार भेदभाव से रहित हुआ मुनि यहाँ अविनाशी निर्गुण ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। जो कहीं से आया हुआ नहीं है, नित्य विद्यमान है, पुण्यवानों की परम गति है, स्वयंभू है, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का स्थान है, अविनाशी एवं सनातन है, अमृत अविकारी एवं अचल है, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में मनु और बृहस्पति का संवाद रूप 206 अध्याय पूरा हुआ। 207 अध्याय श्री कृष्ण से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का तथा उनकी महिमा का कथन। युधिष्ठिर ने कहा, भरत श्रेष्ठ, महाप्राज्ञ पितामह, कमल नयन भगवान श्री कृष्ण अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले, सबके कर्ता, अकृत, सर्वव्यापी तथा संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। ये कभी किसी से पराजित नहीं होते। ये ही नारायण, ऋषिकेश, गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात हैं। मैं इनके स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूं। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, मैंने इस विषय का विवेचन जमदग्नि नंदन परशुराम, देवर्षि नारद तथा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के मुंह से सुना है। तात, असित, देवल, महातपस्वी वाल्मीकि और महर्षि मार्कंडेय जी भी इन भगवान गोविंद के विषय में बड़ी अद्भुत बातें कहा करते हैं। भरत श्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर और प्रभु हैं। श्रुति में पुरुष एवदम सर्वम इत्यादि वचनों द्वारा इन्हीं सर्वव्यापी श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से निरूपण किया गया है। महाबाहु युधिष्ठिर, जगत में शारंग धनुष धारण करने वाले श्री कृष्ण के जिन महात्म्यों को ब्राह्मण लोग जानते हैं उन्हें बताता हूं, सुनो। नरेंद्र, पुराण वेत्ता पुरुष गोविंद की जिन जिन लीलाओं तथा चरित्रों का वर्णन करते हैं उनका मैं यहां वर्णन करता हूं। संपूर्ण भूतों के आत्मा महात्मा पुरुषोत्तम ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन 5 महाभूतों की रचना की है। सर्वभूतेश्वर प्रभु महात्मा पुरुषोत्तम ने इस पृथ्वी की सृष्टि करके जल में ही अपना निवास स्थान बनाया। उसमें शयन करते हुए सर्व तेजोमय पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने मन से ही संपूर्ण प्राणियों के अग्रज तथा आश्रय संकर्षण को उत्पन्न किया, ये हमने सुना है। वो संकर्षण ही समस्त भूतों को धारण करते हैं तथा वो ही भूत और भविष्य के भी आधार हैं। उन महाबाहु महात्मा संकर्षण का प्रादुर्भाव होने के पश्चात श्री हरि की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। तात, उस कमल से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए समस्त प्राणियों के पितामह देव स्वरूप भगवान ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन महाबाहु महात्मा ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हो जाने पर वहां तमोगुण से मधु नामक महान असुर प्रकट हुआ जो असुरों का पूर्वज था। उसका स्वभाव बड़ा ही उग्र था। वो सदा ही भयानक कर्म करने वाला था। भयंकर कर्म करने का निश्चय लेकर आए हुए उस असुर को पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का हित करने के लिए मार डाला। तात, उस मधु का वध करने के कारण ही संपूर्ण देवता, दानव और मानव इन सर्व सात्वत शिरोमणि श्री कृष्ण को मधुसूदन कहते हैं। ब्रह्मा जी ने 7 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जिनमें दक्ष प्रजापति 7वें थे। शेष 6 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह और क्रतु। तात, इन 6 पुत्रों में सबसे बड़े थे मरीच। उन्होंने अपने मन से ही ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ कश्यप नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया जो बड़े ही तपस्वी हैं। भरत श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने दक्ष को अपने अंगूठे से उत्पन्न किया था। वो मरीचि से भी बड़े थे, इसीलिए प्रजापति के पद पर दक्ष प्रतिष्ठित हुए। भरत नंदन, प्रजापति दक्ष के पहले 13 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनमें दिति सबसे बड़ी कन्या थी। तात,
संपूर्ण धर्मों के विशेषज्ञ पुण्य कीर्ति महायशस्वी मरीचि नंदन कश्यप उन सब कन्याओं के पति हुए। तदनंतर धर्म के ज्ञाता महाभाग प्रजापति दक्ष ने 10 कन्याएं और उत्पन्न की जो पूर्वोक्त 13 कन्याओं से छोटी थीं। उन सब का विवाह उन्होंने धर्म के साथ कर दिया। भरत नंदन, धर्म के वसु अमित तेजस्वी रुद्र विश्वेदेव साध्य तथा मरुदगण ये बहुत से पुत्र हुए। तत्पश्चात दक्ष के अन्य 27 कन्याएं हुई जो पूर्वोक्त कन्याओं से छोटी थीं। महाभाग सोम उन सब के पति हुए। इन सब के अतिरिक्त भी दक्ष के बहुत सी कन्याएं हुई जिन्होंने गंधर्वों अश्वों पक्षियों गौओं किम पुरुषों मत्स्यों उद्भिज्जों और वनस्पतियों को जन्म दिया। अदिति ने देवताओं में श्रेष्ठ महाबली आदित्यों को उत्पन्न किया। उन आदित्यों में सर्वव्यापी भगवान गोविंद भी वामन रूप से प्रकट हुए। उनके विक्रम से अर्थात विराट रूप धारण कर 3 पैड में त्रिलोकी को नाप लेने के कारण देवताओं की श्रीवृद्धि हुई। दानव पराजित हुए तथा दैत्यों और असुरों की प्रजा भी पराभव को प्राप्त हुई। दनु ने दानवों को जन्म दिया जिनमें विप्रचित्ति आदि दानव प्रमुख थे। दिति समस्त असुरों महान शक्तिशाली दैत्यों की जननी हुई। इन्हीं श्री मधुसूदन ने दिन रात ऋतु के अनुसार काल पूर्वाह्न तथा अपराह्न आदि समस्त काल विभाग की व्यवस्था की। उन्होंने ही अपने मन के संकल्प से मेघों स्थावर जंगम प्राणियों तथा समस्त पदार्थों सहित महान तेज से संयुक्त समूची पृथ्वी की सृष्टि की। युधिष्ठिर, तदनंतर महाभाग श्री कृष्ण ने पुनः सैकड़ों श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मुख से उत्पन्न किया। भरत श्रेष्ठ इन केशव ने सैकड़ों क्षत्रियों को अपनी दोनों भुजाओं से, सैकड़ों वैश्यों को अपनी जांघों से तथा सैकड़ों शूद्रों को दोनों पैरों से उत्पन्न किया। इस प्रकार इन महातपस्वी श्रीहरि ने चारों वर्णों को उत्पन्न करके स्वयं ही धाता को संपूर्ण भूतों का अध्यक्ष बनाया। वो ही वेद विद्या को धारण करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा हुए। फिर श्रीहरि ने भूतों और मातृगणों के अध्यक्ष विरूपाक्ष की रचना की। संपूर्ण भूतों के आत्मा श्रीहरि ने पापियों को दंड देने वाले तथा पितरों के संवर्ती यमराज को और संपूर्ण निधियों के पालक धनाध्यक्ष कुबेर को उत्पन्न किया। यथार्थ मोक्ष।